नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। पिछले दो तीन वीडियो में आपने देखा होगा कि बैक्टीरियल बीमारी, वायरल बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज आप पढ़ने जा रहे हैं कवक से होने वाले रोग के बारे में, यानी फंगस से कौन कौन सी बीमारियां होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये फंगस है जो आप खाते भी होंगे, मशरूम का नाम सुने होंगे, लेकिन ये तो खाने वाले कवक हैं। और इससे जुड़े हुए और भी कुछ फंगल्स होते हैं, जो फंगल आपके बॉडी में लगता है तो उससे क्या होती है, बीमारियां होती है। ये आपका इसमें से कुछ इसकी प्रजाति जहरीला होता है जो खाने वाले नहीं होते हैं, और कुछ आपके लिए उपयोगी भी होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो आपके मशरूम में होता है, जो कि एक प्रकार का फंगस है। ये उपयोगी है, लेकिन ढेर सारा फंगस आपके लिए अनुपयोगी होता है, जो आपके बॉडी में बीमारी का कारण होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से कि आखिर कौन कौन सी बीमारी कवक से होता है। क्योंकि बैक्टीरिया वाला क्लियर हो चुका है, वायरस वाला भी आपका क्लियर हो चुका है। यदि जो नहीं देख पाए अभी तक वो जरूर देख लीजिएगा। बैक्टीरिया वायरस का अलग अलग, जो कि एकदम पूरा सेपरेट हो गया है, तो आज कवक भी हम आपसे वादा करते हैं कि आपको याद करवा देंगे कि कवक से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो आइए मेरे दोस्त देखते हैं कि कवक से कौन कौन सा बीमारी होगा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कवक के बारे में, यानी कवक बोले तो इसको आप क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, यानी फंगस या फंगी से होने वाली बीमारी बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा ट्रिक लिखेंगे, जिसमें आपको 100% याद हो जाएगा कि कौन कौन सी बीमारी कवक से होने वाला है, यानी फंगल डिजीज कौन कौन सा है ये क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा बात है, ये गंदा खाद है। खाद आप लोग समझते होंगे, खाद्य पदार्थ, कहता है एक गंदा खाद है। कैसा खाद है भाई? तो कहता है ये गंदा खाद है, तो इसमें भाई बीमारी कहां एक भी है? तो अभी तुरंत बताते हैं। आपने एक्जिमा बीमारी का नाम सुना होगा, सभी लोग सुने हैं एक्जिमा बीमारी। ये एक्जिमा बीमारी से जिसमें नोचनी तोचनी टाइप का हो जाता है, और ये एक्जिमा बीमारी किससे होती है? फंगस से होती है। आपने गंजापन सुना होगा, गंजापन बीमारी जिसमें बाले सब उड़ जाता है, वो गंजापन बीमारी किससे होता है? कवक से होता है। आपने दाद सुना होगा, दाद बीमारी किससे होता है? कवक से होता है। आपने खाद सुना होगा, ये खाद बीमारी किससे होता है? कवक से होता है। आपने दम्मा सुना होगा, ये दम्मा बीमारी किससे होता है? कवक से होता है। तो गौर कीजिएगा, एक गंदा खाद है। कैसा खाद है मेरे दोस्त? ये गंदा खाद है। तो एक्जिमा हो गया, गंजापन हो गया, दाद हो गया, खाद हो गया, खुजली हो गया, गंजापन हो गया, दम्मा हो गया। तो ऐसे नॉर्मल याद रखिएगा, दाद, खाद, खुजली, गंजापन, दाद, खाद, खुजली, गंजापन, ये सब बीमारी किससे होता है? तो ये सब आपको कवक से होने वाला बीमारी है। तो नॉर्मल स्टेटमेंट था, ये गंदा खाद है। कैसा खाद? ये गंदा खाद है। तो कौन कौन बीमारी भाई? तो एक्जिमा, गंजापन, दाद, खाज, खुजली और दम्मा। ऐसे भी नॉर्मली सुनते होंगे, आजकल एक महलम का प्रचार करते नहीं रहता है कि दाद, खाज, खुली, गंजापन में लगाइए, ना कलकल करेगा, ना जलजल करेगा, ना नोचेगा, ना खुजलाएगा। सुने होंगे ऐसा। तो वो सब जो बीमारी है, दाद, खाज, खुजली, गंजापन, दमना, एक्जिमा, ये सब बीमारी किससे होने वाला है? तो ये टोटल का टोटल कवक से होने वाला बीमारी है। आपको उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। याद हो गया होगा मेरे दोस्त, तो मेरे इस सेशन को जरूर शेयर करना, ताकि हम उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन बच्चों को इस डिजीज वाले टॉपिक में काफी परेशानी होती है। एकर बीमारी ओकरा में, ओकर बीमारी एकरा में घुस जाता है। वो समस्या अब नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं। यदि आप मेरा साथ दीजिए तो यकीन मानिए तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।